नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro मोबाइल है और उसमें आपको कॉल एंडिंग का प्रॉब्लम या तो कॉल सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो गया, जिससे कि आप कॉलिंग में प्रॉब्लम आपको आ रहा है Redmi Note 8 Pro मोबाइल में, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपको पता होगा और मेरे को भी पता है कि कोई भी इंसान जब फ़ोन ख़रीदता है तो फ़ोन में सबसे पहले एक ही काम करता है, कहीं पर कॉल करता है। सबसे फर्स्ट काम कॉल करने के लिए फ़ोन ख़रीदता है, उसके बाद में ही वो अपना फ़ोन में इंटरनेट चलाता है, डाटा यूज़ करता है, बाकी वगैरह वगैरह जितना भी काम होता है सब करता है, लेकिन सबसे फर्स्ट में कॉल करता है। तो आपको कॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में जब आप कहीं पे कॉल करते हो तो आपको कॉल एंडेड का प्रॉब्लम या तो कोई प्रॉब्लम और भी अल्टरनेटिव आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा ट्रिक है, कौन सा ऐसा सेटिंग्स है जिसको चेंज करके अपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल में सभी तरह के कॉल सेटिंग्स के प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हो और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत आसानी से कहीं भी कॉल कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाऊंगा, वहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस प्रकार से उस सेटिंग सबको सही करके अपने फोन में कॉलिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आकर के वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो आगे भी लाऊंगा तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहीं पे मैं आपको डिटेल में समझा दूं कि ऐसा कौन कौन सा सेटिंग्स है जिससे कि आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है Redmi Note 8 Pro मोबाइल में। तो चलते मोबाइल के स्क्रीन पे, फिर फटाफट वहीं पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहीं पे आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है कॉल एंडेड का, या तो कॉल सेटिंग्स में किसी भी प्रकार का वहाँ पे चेंजेस हो गया उसके कारण से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे फ़ोन में कैसा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है और जो मैं उसको फेस कर रहा हूँ, तो आपके सामने मैं प्रॉब्लम भी दिखाऊँगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा और आपके सामने उसको सॉल्व करके भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैं डायलर को ओपन कर लेता हूँ, और डायलर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स एक नंबर पर कॉल करूँगा, तो देख सकते कॉल एंडेड का प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे लग नहीं पा रहा है, मतलब कॉल कट जाता है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपके सामने मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा और सॉल्व करके ही बताऊंगा, उसके बाद में कॉल करूंगा तो कॉल लग जाएगा। अगर हो सकता है आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आकर के कोई और किसी और प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके ऊपर भी इस वीडियो को देखने के बाद में आप थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिल जाएगा, तो उसको आप सही कर सकते हो। तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखते ही रहेगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा, मैंने कॉल कर दिया तो कॉल करने के बाद में कट जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हो सकता है आपके फ़ोन में जो है बैलेंस ही ना हो, या तो आपका जो वैलिडिटी होगा मतलब नंबर का अनलिमिटेड पैक हो, या तो कोई भी पैक होगा उसका वैलिडिटी खत्म हो गया होगा, तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है और आपको पता नहीं चल पाता कि आपके फ़ोन में जो है वैलिडिटी खत्म हो गया और आपका कॉल एंडेड का ये प्रॉब्लम आने लगता है। अगर आपके फ़ोन में वैलिडिटी है, आपके फ़ोन में बैलेंस है, फिर भी कॉल नहीं लग पाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसके लिए जो है एक दो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स में ही आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देख सकते हो BOLTE इनेबल्ड लिखा हुआ है, ये ऑन है, मेरे फ़ोन में ऑन है, उसके बाद भी नहीं लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके फ़ोन में यही अगर ऑफ हो तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो देख सकते हैं आप अपने फ़ोन में जा करके सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में अगर ये ऑफ है तो इस प्रकार से इसको ऑन कर देना है। अगर आपको ऑन करने के बाद में फिर भी मेरे साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे ऑन करके बैक आना है, और बैक आने के बाद में फ्रेंड्स आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, और नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सिस्टम ऐप सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको मिलता है, एक सेटिंग्स मिलता है कॉल सेटिंग्स का, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे कॉल सेटिंग्स पे, और फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग्स का, तो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉल बैरिंग का। तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं सेटिंग्स ओपन कर दिया हूँ तो हो सकता है आप भूल जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान से दिखेगा। तो कॉल बैरिंग पे क्लिक करना है, और कॉल बैरिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान देना कि कौन से सिम से आप कॉल कर रहे हो और आपका कॉल कट जाता है, लगता नहीं या तो कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है। तो मैं अभी Vodafone से ही लगा रहा हूँ, Vodafone पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो Vodafone पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपको दिखाई दे कॉल सेटिंग्स एरर का, तो इसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा एक बटन मिलेगा आपको देखने को, यहाँ साइड में आपको हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तो ये साइड में जो बटन दो बटन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर देख लेना कि कोई सा बटन ऑन तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ़ोन में ऑन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है आपके फ़ोन में कहीं ऑन हो फिर उसके वजह से आपके आपको साथ ये प्रॉब्लम आ रहा होगा।
तो इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद एक कैंसिल ऑल का भी बटन रहता है, कैंसिल ऑल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो लास्ट एक उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद जो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सारा कुछ मैंने बता दिया, लास्ट एक और ट्रिक है उसको मैं बताया था, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, डायलर में ही आना है। और डायलर में आने के बाद फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, एक कोड बता रहा हूँ, उस कोड को अपने डायलर में आपको टाइप करना है। तो वो कोड है *#*#4636#*#*#। जैसे ही डालेंगे ये नंबर आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये नंबर जैसे ही डालोगे तो आपको यहाँ पे एक टेस्टिंग करके विंडो आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा फोन इन्फॉर्मेशन 1 एंड फोन इन्फॉर्मेशन 2। तो आपको ध्यान देना, अगर अपने फ़ोन में आप दो सिम कार्ड लगाए हो तो आपको यहाँ पे फोन इन्फॉर्मेशन 1 भी दिखाई देगा और फोन इन्फॉर्मेशन 2 भी दिखाई देगा। अगर आप अपने फ़ोन में एक ही सिम कार्ड लगाए हो तो आपको फोन इन्फॉर्मेशन 1 ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक किस पे करना है, जिस पे आप सिम कार्ड लगाए हो, मतलब अगर 1 में लगाए हो तो फोन इन्फॉर्मेशन 1 पे क्लिक करिएगा, अगर आप 2 पे लगाए हो और उस पे कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो फोन इन्फॉर्मेशन 2 पे क्लिक करिएगा। तो मैं वोडाफोन को 2 में लगाया हूँ तो फोन इन्फॉर्मेशन 2 पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो है प्रॉब्लम आ जाता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको LTE का जो एक प्रॉब्लम मिलता है वो आपको यहाँ पे सेव हो जाता है। देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो है यहाँ पे LTE का ऑप्शन मिल जाता है जो आपके फ़ोन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, आप बिना आप सेलेक्ट किए भी। तो इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एरो का, तो इस एरो वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे LTE को हटा करके, अगर आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल से आपको करना है अपने फ़ोन से, तो LTE को हटा करके यहाँ पे आपको ले लेना है। मैं आपको जो टिक करने वाला, जो बताने वाला, उसी को टिक करिएगा, अन्यथा आपको आपके ये साथ ये प्रॉब्लम आता ही रहेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको LTE TDS SDMA GSM, इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपडेट एंड रिफ्रेश का बटन मिलता है, अपडेट करना है पहले और रिफ्रेश कर देना है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप बोलोगे मुझे दिखाइए, तो मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ, डायलर में आकर के कॉल करूंगा तो ये कॉल अब ऑटोमेटिक नहीं हटेगा। तो आपके सामने देख सकते हो तो ये कॉलिंग जा रहा है और यहाँ पे अगर मैं कॉलिंग कर दूंगा तो यहाँ पे उसका वॉइस भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने मैनुअली यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया है और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो कुछ इस प्रकार से, जो मैंने आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताया है तो उस प्रकार आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।